नमस्कार दर्शकों, सतीश शर्मा जी हाँ, शम से इंडिपेंडेंट विधायक जिनको लेकर हमने भी खबर चलाई थी कि वह हो सकता है कि जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लें, पर उसको लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो शम के जो सतीश शर्मा जो मदन लाल शर्मा जी के बेटे हैं, वह उनकी जो मुलाकात है वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और फरूख अब्दुल्ला के साथ होती है। और अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि वह फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन यानी कि उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ अगर देखा जाए तो कुछ समय के लिए जो है ये दल यानी कि इंडिपेंडेंट जो है किसी दल को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से। और अगर बात की जाए तो वह बाहर से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है सरकार को जो है समर्थन देंगे। जी हाँ, कारण ये भी है, उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से अगर शम की बात की जाए तो काफी सारे कार्य हैं जो वहां पर जनता जिनको लेकर काफी परेशान है और वह करवाने वाले हैं, उसके लिए सरकार का सहयोग काफी जरूरी है। और इसी को लेकर अगर बात की जाए तो वह श्रीनगर पहुंचे थे और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला हैं उनके साथ भी मुलाकात की। और अब देखना यह है कि क्योंकि बाहर से समर्थन देने का उन्होंने ऐलान किया है, पर काफी सारे मुद्दे हैं, डेली वेजर्स हो जाए, स्कूल्स के मसले हो, कॉलेजेस हो, अदर पब्लिक के काफी सारे इशू हैं शम क्षेत्र की अगर बात की जाए, और लोगों को भी उनसे काफी उम्मीद थी। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो फिलहाल एक ही सीट वह जहां से जम्मू प्रोविंस से निकाल पाई है, और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो एक हिंदू चेहरा जो है, जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हिंदू एक ही चेहरा जो है अगर जम्मू प्रोविंस से देखा जाए तो वह सतीश शर्मा ही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, ये एक क्यास है कि हो सकता है कि उनको जिस प्रकार से वह बाहर से जो समर्थन दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हो सकता है कि उनको कोई मंत्रालय भी दिया जाए, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी सारी जो शम क्षेत्र की नीड्स हैं, जरूरतें हैं, और लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं जिनका मसले का हल करना जरूरी है, और जिन मुद्दों को लेकर लोगों ने मुझे मेरी इतना सहयोग दिया है, मुझे वहां से विजय बनाया, और उन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार का जो सहयोग बहुत जरूरी है, और इसलिए वह जो सरकार को जो है अपना बाहर से समर्थन देंगे। और अब तक की जो बड़ी अपडेट है कि फिलहाल जो सतीश शर्मा है अकॉर्डिंग टू ला जो है उसके मुताबिक वह, क्योंकि क्या यही लगा सकते हैं जब से वह वहां से जीते थे कि हो सकता है कि वो कांग्रेस का दामन थामे या नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पर अब तक की बड़ी अपडेट यही है कि फिलहाल सतीश शर्मा जो है वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, पर सरकार को वह बाहर से समर्थन दे सकते हैं और देंगे, इसको लेकर देने वाला कुछ है नहीं हो, क्योंकि आपको जैसे पता है कि आज विधायक दल की जो बैठक थी उसमें उमर अब्दुल्ला को जो है वह चुन लिया गया है, और हो सकता है कि एक दो दिन बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है वह भी बन जाए। उसी को लेकर अगर बात की तो अब तक की बड़ी अपडेट कि शम के जो विधायक हैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो जीते थे सतीश शर्मा, फिलहाल वह सरकार को बाहर से समर्थन देंगे।